विधानसभा ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 सर्वसम्मति से पारित किया। विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सोमवार को हस्ताक्षर करने की बात कही है। इधर इस पर श्रेय लेने की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने साफ साफ कहा है कि हमारे दबाव के कारण सरकार को आरक्षण संशोधन विधेयक पारित करना पड़ा, लेकिन सरकार ने भानुप्रतापपुर उपचुनाव को देखते हुए जल्दबाजी की है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये उनका मानसिक दिवालियापन है, चुनाव तो होते रहेंगे लेकिन ये फैसला छत्तीसगढ़ का रोड मैप बनने वाला है। छत्तीसगढ़ आरक्षण संशोधन विधेयक फिलहाल राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ये विधेयक लागू हो जाएगा। इधर बीजेपी कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बीजेपी के दबाव में सरकार को ये विधेयक लाना पड़ा, लेकिन उसने जल्दबाजी की क्योंकि भानुप्रतापपुर में कांग्रेस इसका फायदा उठाना चाहती है। हम नहीं चाहते कि हमारे जनजाति भाई, अनुसूचित जाति के भाई, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के जो गरीब हैं उनका अहित हो। इस सरकार ने राजनीतिक कारणों से इसे लाया। 5 दिसंबर को भानुप्रतापपुर का चुनाव है, मतदान है। 1-2 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाया, चुनाव की घोषणा हुई तब विशेष सत्र की घोषणा किया। 19 सितंबर को उच्च न्यायालय का फैसला आ गया था इस संबंध में। 2 महीने 10 दिन तक क्या कर रही थी सरकार, हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। क्या इनको आरक्षण की चिंता नहीं थी? बीजेपी के भानुप्रतापपुर उपचुनाव में लाभ के लिए विधेयक पारित करने के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल ने इसे उनका मानसिक दिवालियापन करार दिया है। सीएम ने कहा कि एक चुनाव से क्या होगा, चुनाव तो होते रहते हैं, ये छत्तीसगढ़ की जनता से जुड़ा मामला है, ये छत्तीसगढ़ का रोड मैप है। देखिए, ये मानसिक दिवालियापन, एक उपचुनाव से क्या फर्क पड़ना है, ये पूरे प्रदेश की जनता का मामला है। चुनाव तो होते रहेंगे, ये तो उपचुनाव है, आम चुनाव भी होंगे, लेकिन ये जो काम हुआ कल वो मील का पत्थर है। जो किस प्रकार से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा उसका ये रोड मैप है कि हम सभी वर्गों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं तभी छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। तो उस भावना के अनुरूप ही काम हुआ है। ये चुनाव से उपचुनाव से जोड़ना नहीं चाहिए, ये एक्चुअल में छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद आदिवासियों का आरक्षण कम हो गया था, साथ ही मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने से अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, इसलिए इसका समाधान होना जरूरी था। इसके लिए सरकार ने संशोधन विधेयक का रास्ता अपनाया। जहां तक राजनीति का सवाल है तो श्रेय लेने की होड़ और आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7, रायपुर। तो इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे, इसके लिए खास पैनल हमारे साथ होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिशुपाल शोरी जी, विधायक कांग्रेस, और हमारे साथ है अमित चिमनानी जी, मीडिया प्रभारी बीजेपी। बहुत स्वागत है अमित जी आपका, और शिशुपाल शोरी जी आपका भी। पहला सवाल मेरा अमित जी से है। अमित जी, आपसे समझना चाहेंगे, दरअसल देखिए ये आरक्षण संशोधन विधेयक जो है वो पारित होने से पहले तक आप ये कहते रहे कि ये हित में है, आदिवासियों की नहीं सुन रही है सरकार, भानुप्रतापपुर उपचुनाव है सामने, और ये मुद्दा आपके लिए भी जाहिर तौर पे चुनावी मुद्दा था, लेकिन अब चूंकि सरकार ने वो कर दिया जो आप चाहते थे, तो अब क्या दिक्कत है? सोनल जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही है। आप लोग देखिए, बिल्कुल मिल रही है सर आपकी आवाज, और एक बार मैं अपनी तकनीकी सहयोगियों से कहूंगी कि देखिए यदि मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। क्या अमित जी अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? अमित जी एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तब तक शिशुपाल शोरी जी का रुख कर लेते हैं। शिशुपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इसी आरक्षण को लेकर था सारा विवाद, इतना वक्त लग गया, बीजेपी का आरोप है कि 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त आप लोगों ने लगा दिया, ये करना ही था तो तब क्यों नहीं किए, क्यों नहीं वो जोड़े इसे भानुप्रतापपुर उपचुनाव से? सोनल जी, ये एक तरफ तो कहते हैं कि विलंब कर दिया,
और दूसरे तरफ कहते हैं कि चुनाव को देखते हुए किया, इसको बाद में करना चाहिए। तो ये देहुरी बातें, मुझे लगता है कि ये कंफ्यूज हैं कि ये जो आरक्षण संशोधन विधेयक आया है उसकी वजह से वो बैकफुट में है और वो अपने बचाव के लिए ये तरह तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं। ये जो 29 सितंबर 2022 को जो हाईकोर्ट का निर्देश आया आदेश आया उसके संदर्भ में बहुत सारी बातें उठी, इसके संवैधानिक रूप से हम क्या कर सकते हैं और हमारे न्यायिक रास्ते क्या हैं। और मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन सारे हमारे विधायकों को ट्राइबल समाज के, ओबीसी समाज के सभी से लेकर विचार विमर्श किया, सबकी राय थी कि हम आदिवासी समाज की भी सुने और सारे आदिवासी समाज के लगभग 500 लोग ये इकट्ठे हुए, अलग से बैठक हुई इनकी अपने यूनिवर्सिटी कैंपस में और वहाँ ये तय हुआ कि हम लोग सरकार को सुझाव देंगे कि वो विधानसभा में लाए। कोर्ट में अगर हम जाते हैं तो कोर्ट कितने दिनों के बाद फैसले आएंगे और स्थगन मिलता है नहीं मिलता है, बहुत सारे अगर मगर हैं, पर ये इनके हाथ में है। हमने उस समय ये भी कहा, तीन विकल्प थे कि हम क्या इनको अधिसूचना के माध्यम से कर दें क्योंकि 6 महीने के अंदर हम उसको ला सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये विशेष सत्र बुला लिया जाए और ये करें। और ये जो वन प्रतापपुर विधानसभा की बात आ रही है, उस समय तक हमारे मनोज भाई जीवित थे और उन्होंने भी नेतृत्व किया था इसका और उनके भी सुझाव थे कि इसको विशेष सत्र बुलाकर लाया जाए क्योंकि उपाध्यक्ष भी थे विधानसभा के। तो ये सबकी सहमति से तय हुआ कि किया जाए। और एक मांग और थी सर्व आदिवासी समाज की कि जो अन्य राज्य जिन्होंने 50% की सीमा बढ़ाया है वहां भी अध्ययन दल भेज दिया जाए ताकि उन्होंने किस तरह के प्रक्रिया अपनाए जिसकी वजह से वो आज भी वहां के आरक्षण का जो रोस्टर पालन हो रहा है। तो ये मांगे थी और उसके पालन में मुख्यमंत्री जी ने दोनों ही काम किया, एक तो विशेष सत्र बुलाने की के लिए उन्होंने राज्यपाल से निवेदन किया, दूसरा अलग अलग कमेटी बना के अन्य राज्यों में अध्ययन दल के लिए भेजा। और इससे पहले ठीक है, फिर आपने ये आरक्षण दिया। मैं अमित जी का रुख कर लेती हूँ जल्दी से। अमित जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो आप चाहते थे वैसा हो गया, आप भी तो आरक्षण की मांग ही कर रहे थे ना, हो गई पूरी, फिर कहां दिक्कत? हमने तो कहा सुनल जी कि कांग्रेस बाध्य हुई हमारे आंदोलन के बाद, लेकिन जो इतिहास रहा है कांग्रेस का वो आरक्षण विरोधी है और जानबूझ करके ऐसे लूपोल छोड़ती है जिससे पीछे के दरवाजे से ही अपने ही लोगों को भेज करके आरक्षण को निरस्त करवा सके। और ये सिर्फ भाजपा का आरोप नहीं है, इसके पीछे हमारे पास प्रमाणिक तथ्य हैं। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर के, ओबीसी के आरक्षण को लेकर के इन्होंने अपने ही व्यक्ति को भेजा हाईकोर्ट, वहां से स्टे लगवाया गया और जिसने स्टे लगवाया, जो पिटीशन दाखिल करने वाला व्यक्ति था, उसकी ताजपोशी हुई आरक्षण कैंसिल होने के बाद, उसे कबीर शोधपीठ का अध्यक्ष बनाया गया। ये महज आरोप नहीं है, सत्य है। दूसरी बात, जिसने आदिवासियों के आरक्षण के खिलाफ पिटीशन लगाई, केपी खांडे जी को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, वो भी आरक्षण के निरस्त होने के बाद, उनकी भी ताजपोशी हुई। और आदिवासियों के आरक्षण के खिलाफ तो स्वयं कांग्रेस के पूर्व विधायक और प्रदेश के पदाधिकारी लगे रहे। पद्मा मनोहर जी कौन है, मैं तो शिशुपाल जी से पूछना चाहूंगा, वो पेटिशनर थी। पीआर फूटे कौन थे, किस पद पे थे कांग्रेस के 2012-13 में, जब आदिवासियों के आरक्षण के खिलाफ पिटीशन लगी। ये सारे कांग्रेस के नेता रहे हैं। तो एक तरफ आप दिखावा करते हैं कि हम आरक्षण देना चाहते हैं और पीछे के दरवाजे से हाईकोर्ट अपने लोगों को भेजते हैं और आरक्षण को कैंसिल कराने के बाद उनको इनाम के तौर पर राज्य मंत्री का पद, आयोग के पद का, आयोग का अध्यक्ष बनाकर पुरस्कृत नहीं, ठीक है, अभी जो मिला ना अमित जी, अब इसमें तो गेंद आपके पाले में, आपकी सरकार है केंद्र में, तो अब तो हस्ताक्षर कर देंगी सोमवार को राज्यपाल अनुसुईया उइके जी, और उसके बाद अब 9वीं अनुसूची में आने के बाद आप इसको लागू करवा दीजिए, कानून बनवा दीजिए, सारी दिक्कतें खत्म। जो विधेयक आया है राज्य का, उसमें सबसे पहले पेज पे इन्होंने आर्टिकल दिया है। मैं तो शिशुपाल जी से कहूंगा उस आर्टिकल को पढ़ करके, रेफरेंस को पढ़ करके जनता को बताएं। उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि राज्य के हाथ में है सब कुछ,
और उसी शक्ति का प्रयोग करके हम कर रहे हैं। तो जब राज्य के पास सारे अधिकार हैं तो केंद्र का विशेष में लाने का मतलब क्या है? जिम्मेदारी से बचने का काम है। अगर केंद्र को करना है तो फिर आप किस चीज का क्रेडिट ले रहे हैं? आप क्यों ये बयान दे रहे हैं कि हम आतिशबाजी करवाएंगे, मिठाई खिलवाएंगे? फिर अगर केंद्र को करना है तो वो देखेगा। आपने क्या किया उस पर बात करिए। आपने आरक्षण को छिनवाया। 2.25 महीने पहले आरक्षण चला गया, सारी भर्तियां रुक गई। भानु प्रतापपुर का चुनाव जब तक घोषित नहीं हुआ था तब तक आपने क्या कहा था कि हम तमिलनाडु अध्ययन दल भेजेंगे, हम क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई आपने आनंद फानंद में विशेष सत्र बुलाया, और ये विशेष सत्र था कि नहीं था ये भी एक टेक्निकल इशू है, क्योंकि आपने तो उसमें अनुपूरक बजट भी पास करा लिया। विशेष सत्र क्या होता है? जिसमें खाली उसी विषय पर बात होती है जिसके लिए वो सत्र बुलाया गया है। तो ये जो कांग्रेस का कंफ्यूजन है, कांग्रेस की बदनीति है, इसको प्रदेश की जनता ने देखा है, भानु प्रतापपुर के लोगों ने भी देखा है। इसीलिए सर्व आदिवासी समाज ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया और उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं आप क्यों खड़े हो रहे हैं भाई, आप सामाजिक काम करिए। तो देखिए, आप लोगों का अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं और जनता इसका जवाब देने के लिए तैयार है। ठीक है, सियासत कर ली, स्मार्टली खेल गए इस पर शिशुपाल शौरी जी। कांग्रेस गेंद जो है केंद्र के पाले में डाल दी और इस तरह। सोनल जी, मैं ये बात चिंगानी जी को बताना चाहूंगा कि ये जो रिट फाइल हुए थे ये आदिवासियों के आरक्षण के विरुद्ध नहीं थे। मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूँ, वो इस बात का था कि ये जो गए थे घासीदास साहित्य अकादमी, वो उनके जो 16% आरक्षण था वो कम हुआ इसलिए गए थे, और 50% से ज्यादा हुआ और ये नियम प्रक्रियाओं के विपरीत हुआ इसलिए गए थे। आदिवासियों के आरक्षण को मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि इनके जो जाति के आधार पर जो आरक्षण है SC और ST का, उनके जनसंख्या के अनुपात में उसको मिलना ही है, और इसमें कोई टिप्पणी हमारे जो हाई कोर्ट ने नहीं की ना सुप्रीम कोर्ट ने की। इनके अधिकारों की रक्षा के लिए वो खुद चाहते हैं, पर उसके जो नियम है, जो प्रक्रिया है, उसको उन्होंने गलत ठहराया है। ये अगर कहते हैं कि हमने 32% आरक्षण दे दिया तो इनकी ये गलत फहमी है, उन्होंने उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया। अगर 50% के अंदर देते, 2005 में हमारी मनमोहन सिंह की सरकार थी केंद्र में, उन्होंने राज्य स्तरीय पदों के लिए आरक्षण रोस्टर जारी किया था, हमने कई बार रमन सिंह जी को और सारे मंत्रियों को उसको निवेदन किया था कि ये फार्मूला के तहत आप जारी कर दीजिए। और मैं चिमरानी जी को बताना चाहूंगा कि वो रोस्टर आज भी केंद्रीय सरकार के नियुक्तियों के लिए जो राज्य स्तरीय पद है उसके लिए लागू है। तो ये ना करके ये केवल बहानेबाजी करते हैं। दूसरा ये है कि जितने भी गए हैं केवल ये दो लोग नहीं गए, ये हमेशा बताते हैं शुक्ला जी गए और KP खांडे गए, इनके साथ लगभग 50-60 लोग गए थे। ठीक है, और ये सबके लिए खुला है, जो भी प्रभावित व्यक्ति है वो जा सकता है। आज जो हमारा जो कल जो हुआ उसके खिलाफ भी जा सकते हैं। ठीक है, पर अमित जी काउंटर है आपका, तो जल्दी से कर दीजिए। शिशुपाल शौरी जी के लिए कुछ और सवाल है मेरे पास। फिर कवासी लखमा जी ने पब्लिकली इस बात को स्वीकार किया कि जिनको अभी KP खांडे जी को अध्यक्ष बनाया हमसे गलती हो गई। तो जब आपसे गलती हुई है आपके मंत्री स्वीकार कर रहे हैं और आप दूसरी बात कैसे कर सकते हैं? स्वीकार करना चाहिए कि हाँ गलती हुई है। और दूसरी बात, आप जो 2005 की बात कर रहे हैं वो 5 में तो अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है उससे इतर आपने अभी आरक्षण में प्रोविजन रखा। आप मनमोहन सरकार का, केंद्र सरकार का रेफरेंस दे रहे हैं, तो अभी तो मोदी सरकार ने और सर्वोच्च न्यायालय ने भी सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनके लिए 10% आरक्षण रखा, आपने उसको क्यों 4 रखा? इसका जवाब दीजिए। बताइए सर, क्या 4% बढ़ाया तो क्या 6 और नहीं बढ़ता? और सामान्य गरीब गरीब नहीं है क्या? सिर्फ ST SC की बात करते रहेंगे, सामान्य गरीबों का क्या? शिशुपाल शौरी साहब, ट्राइबल डेटा है उसमें ये जो वर्ग का आप बात कर रहे हैं ST SC OBC को छोड़ के उनका 3.34 ही उनका संख्या आई है। ऐसी स्थिति में 4% उनको दिया गया है, और SC और ST का जो सवाल है वो अपने हक के लिए जाए उसमें कोई दो मत नहीं है, किंतु जो संवैधानिक प्रावधान है उसको सबको मानना पड़ेगा। हमारा 32% है, हमको मिल गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। उनका 13% है, ये डेटा तो सेंसस का है, भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन में आता है, तो उसमें कहाँ कंफ्यूजन है। पर उन्होंने अगर कह रहे हैं कि उनको चाहिए तो अपनी बात रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी नागरिक
जो समझता है कि हमारे हित का हो रहा है, उनका हरण हो रहा है, वो जा सकता है। दूसरा सवाल आपने ये किया कि केंद्र सरकार को क्यों भेजा। अब संविधान के अनुच्छेद 3100 के तहत जो अधिकार है कि ऐसे विषय जिसको राज्य सरकार समझता है कि इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए ताकि कभी ये वाद का कारण ना बने, इसलिए राज्य केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। तो ये जो स्थिति है तो अलग अलग है। कानून बनाने की बात नहीं है, कानून तो हमारा बन गया, पर वो बाद में कोई चैलेंज ना हो और कि उस पर कोई प्रश्न ना उठाए, इसलिए हम केंद्र सरकार को भेज रहे हैं। अब ये कोई भी कानून है, कोई भी हम केंद्र सरकार को भेजते हैं, हमारे महामहिम के अनुमोदन के पश्चात ही राष्ट्रपति को जाता है और राष्ट्रपति उसको संसद में रखता है, यही प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया का अगर पालन अगर कराएं तो भी आप कह रहे हैं कि आपको तकलीफ है, तो बड़ा अजीब बात है कि आपकी नियत ही नहीं थी ना, बात 2012 में थी और 2005 में जब केंद्र सरकार ने जब डायरेक्शन दिया था तो आपने उसको 8 साल लटका के रखा, 12 में आनंद फानन में किया ताकि आपको मालूम था कि ये खत्म होने वाला है, जबकि 1992 में। अमित जी बताइए, सबसे ज्यादा तो ओबीसी को दिया, ओबीसी की लड़ाई तो आप लोग लड़ते रहे हमेशा से और श्रेय लेने की होड़ भी रही दोनों ही दलों में, 13% तक बढ़ा दिया, बढ़िया है। उन्होंने कहा जनसंख्या के आधार पर सिर्फ 4% के ही हकदार हो रहे हैं सामान्य गरीब, एससी का 1% बढ़ा दिया, एसटी का वैसा ही है, तो संतुष्ट हैं आप? अभी माननीय शौरी जी ने जो बात कही उससे कांग्रेस की पॉलिसी उजागर हो गई। अभी उन्होंने कहा कि जिसको तकलीफ होगी वो कोर्ट जाएगा और हमको तो 32% मिल गया। अब इससे आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई कोर्ट जाएगा तो फिर आरक्षण तो पूरा रुकेगा ना, ये तो नहीं होगा कि आदिवासियों का 32 ठीक है और इनका हम कैंसिल कर देते हैं, जैसे अभी हुआ, अभी भी इन्होंने पक्ष ठीक से नहीं रखा, इसीलिए पूरा का पूरा आरक्षण शून्य हो गया। मैं तो यही कह रहा था कि कांग्रेस की यही नीति है कि कोई ना कोई लूपहोल छोड़ दीजिए, किसी ने किसी को पिटीशन दाखिल, एक मिनट पूरी कर लूं बात, सोनल जी मैं बोलना चाहता हूं, प्लीज कंटिन्यू। तो कांग्रेस यही काम करती है कि कोई ना कोई ऐसा काम करेगी जिससे कोई ना कोई पिटीशन लगाए, जिसको माननीय शौरी साहब ने खुद कहा कि जिसको लगाना होगा, तकलीफ है जिसको वो लगाएगा। तो जब पिटीशन लगेगी सर तो आरक्षण तो सबका चला जाएगा ना, हमारा तो यही आप पे आरोप है और खुद आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो आप एक दिन का दिखावा मत करिए आरक्षण के लिए कि हमने दे दिया और दूसरे दिन उसको छिन जाएगा और फिर आप केंद्र 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 रटते रह जाओगे। यही तो आपकी नीति है कि आरक्षण न मिले, पहले भी आपने पिटीशन लगवाए उसको रद्द करवाया, अभी आप खुद कह रहे हैं कि जिसको लगानी है पिटीशन वो लगा ले फिर वो रद्द हो जाएगा। तो ये बात विधानसभा में भी भाजपा ने कही कि भैया गंभीरता से काम करो, जल्दबाजी मत करो, ऐसा विधेयक लाओ जिसको बाद में कैंसिल न किया जा सके, जिसमें बाद में आरक्षण छिनने की संभावना न हो, वो काम करिए। लेकिन आपने विधानसभा में भी चर्चा नहीं होने दी और आप अभी भी ये कह रहे हैं कि जिसको पिटीशन लगानी है लगाएगा, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो ये आरक्षण मुझे लगता है शायद कुछ दिन के लिए ही लागू होगा और फिर से पुरानी स्थिति वैसी की वैसी, और शायद कांग्रेस यही चाहती है। अंडर जुडिशियल रिव्यू होता है और भारत के हर नागरिक को अधिकार है जुडिशियल रिव्यू में जाने का, तो आप ये मत कहिए। तो शौरी साहब बस ऐसे ही कोर्ट कोर्ट खेलते रहेंगे, ऐसे ही एक दूसरे के पाले में डालते रहेंगे, थोड़ा उन बच्चों की चिंता कीजिए ना जो पीएससी में बैठना चाहते हैं, जो व्यापम की परीक्षा में बैठना चाहते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं को देना चाहते हैं, अभी उनका क्या होगा फिर तब तक? इसीलिए तो लाए गए हैं जल्दी से। लेकिन इसकी प्रक्रिया तो प्रक्रिया में तो समय लगेगा, प्रक्रिया के साथ साथ आप शंका भी जाहिर कर रहे हैं, आप साथ में ये भी कह रहे हैं कि कोर्ट जाने की स्वतंत्रता तो सभी को है। अरे बिल्कुल है, उसको कोई रोक नहीं सकता, ये कोई भी जो निर्णय होते हैं अंडर ज्यूडिशियल रिव्यू होता है और वो कोई भी आदमी जा सकते हैं, प्रक्रिया भी रही है और उसके बाद हम जो काम करते हैं वो संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है कि नहीं, यही तो ज्यूडिशियल रिव्यू में देखा जाता है। अगर आपने सही किया है आरक्षण पे, इसमें कोई लड़ाई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आरक्षण आप नहीं दे सकते, उन्होंने ये कहा कि इसको आप एक राजनीतिक टूल के रूप में उपयोग नहीं करेंगे, इसलिए 50% से ऊपर सामान्यता नहीं होनी चाहिए, अगर इसको आप पार करते हैं तो आपको विशेष परिस्थितियां बतानी पड़ेगी कि क्यों आपको देना जरूरी हो गया। तो हमारे यहाँ की जो डेमोग्राफी है, हमारे यहाँ की जो जनसंख्या का जो एक घनत्व है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों का जो है, उसके आधार पे हमको
उनको देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ जो दूसरे समाज के लोग हैं उनको भी रिजर्वेशन की आवश्यकता है। उसी की आवश्यकताओं को देखते हुए और जो क्वांटिफाइबल डेटा जो इन्होंने किया ही नहीं उसके आधार पे हमने किया और उसके जो रिपोर्ट आए दुनिया में अपने सर, रिजर्वेशन की आवश्यकता तो खत्म होनी चाहिए कायदे से, क्योंकि जो लोग मेहनत करके और जो लोग वाकई में बढ़ रहे हैं आगे, पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी या बाकी जगह जो डिजर्व करते हैं, वो पीछे चाहते जा रहे हैं। 76 पर पहुंच गए हैं, 58 से कम होने की बजाय हम 76 पर पहुंच गए हैं। तो जिम्मेदारी तो है आप लोगों की कि इसको खत्म होना चाहिए, इसे बढ़ना नहीं चाहिए। कहा तो यही गया था कि 10 सालों में इसे खत्म कर देंगे, लेकिन आज तो कितना बरस हो गए हम तो सोच भी नहीं रहे, हम तो बस यही सोच रहे हैं कि और बढ़ता जाएगा और एक दिन 100% को क्रॉस कर जाएंगे। अमित जी बताइए। देखिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाह रहा था कि कांग्रेस आपस में छत्तीसगढ़ के अलग अलग वर्गों को लड़ाने का एक प्लान कर रही है। अभी हमने जो संशोधन दिया था विधानसभा में उसमें हमने अनुसूचित जाति के लिए 13 से 16 का हमने मांगा क्योंकि वो उतना ही चाह रहे थे, और जो सामान्य वर्ग है उसके लिए 4 की जगह हमने 10 मांगा वो उतना चाह रहे थे, और 27 ओबीसी के लिए और 32 आदिवासी के लिए था वो भी उतना मांग रहे थे। लेकिन ये जब हो जाता तो फिर कोई पेटीशन लगाता ही नहीं, लेकिन आपने जानबूझ करके 2 वर्गों को कम दे दिया ताकि वो पेटीशन लगाएं और फिर पूरा का पूरा आरक्षण आप रद्द करवा देंगे। तो हम यही तो कह रहे हैं कि आप क्यों ऐसा लूपहोल छोड़ते हो, क्यों कुछ वर्गों को आप पेटीशन लगाने के लिए बाध्य करते हो। पर वो ये कह रहे हैं ना जनसंख्या के आधार पर लिया, अमित जी जनसंख्या के आधार पर सामान्य गरीबों को 4% ही बन रहा था। अरे भाई केंद्र के लिए अगर वो प्रोविजन सर्वोच्च न्यायालय ने उसको ठीक कर दिया है तो ऐसा कौन सा डेटा, इन्होंने तो पटेल आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया और इनकी एक रिपोर्ट थी उसको भी सार्वजनिक नहीं किया, कौन सी किसकी जनसंख्या कितनी है किसको बताया, इन्होंने तो कोई चर्चा ही नहीं की ना। तो ना आप चर्चा कर रहे हो ना आप संशोधन प्रस्ताव को मान रहे हो और आप ऐसा प्रोविजन खड़ा कर दे रहे हो जिससे बाकी लोग पिटीशन दाखिल कर लें और फिर आरक्षण आपका 0 हो जाए वापस, जैसे अभी आपने हाईकोर्ट में करवा दिया, तो फिर मतलब क्या होगा विशेष सत्र का। ठीक है जल्दी से शिशुपाल शोरी साहब की कुछ नहीं है, ये एक गेम था, जल्दी जल्दी में किया गया, इस पर पूरी तैयारी नहीं थी, जल्दबाजी में लाए गए, एक बार फिर से ये अटकेगा मसला। जाति का जो मामला है वो संविधान में उनका प्रोविजन है कि उनके जनसंख्या के अनुपात में दिए जाएंगे, ये तो अगर हम उससे ऊपर नीचे करते हैं तो ये संविधान को संकट खड़ा हो जाएगा जिसके लिए इन्होंने किया था बिना किसी क्वांटिफाइबल डेटा के। वही तो हम कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं उनके जो सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि वो तथ्य बताएं आप कि आप ये देव देना क्यों चाहते हैं और इसको इतने प्रतिशत क्यों, अब 4% की बात आ रही है, 4% क्यों दे रहे हो, 10% नहीं दे रहे हैं, तो हम वही तो कह रहे हैं 4% ही उसको हक बनता है इसलिए 4% दिया जा रहा है। और ये जो SC का जो पॉपुलेशन है 13% है उसको कुछ झुठला सकता है क्या, ठीक है सेंसस रिपोर्ट को, ठीक है सर जब ये लागू हो जाएगा तभी हम मानेंगे कि ईमानदारी से प्रयास हुए। अमित जी बहुत बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में, वक्त नहीं है सर। अभी आप कह रहे थे कि हम बढ़ाते तो फिर संवैधानिक रूप से वो सही नहीं रहता, और आपने अभी जो किया है उसको लोग चैलेंज कर सकते हैं आप ये भी कह रहे हैं, तो आप दोनों चीजें कह रहे हैं सर, इसी टीवी डिबेट में क्लियर नहीं हो पा रहा तो जनता को क्या क्लियर होगा, आपने दोनों बातें कर दी। सर देखिए एक तरफ तो वो आरोप लगा रहे हैं कि बैकफुट पर है बीजेपी, कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए ये समस्या है कि अब आपको इसमें भी संतुष्टि नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा हमने अपना काम कर दिया, अब तो जो काम है वो केंद्र सरकार का है, चूंकि आपकी सरकार है तो अब उसको वहां से जल्दी लागू करा लीजिए तो जो लाभ हैं वो मिलते रहेंगे। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बाबूलाल शर्मा जी क्या देख रहे हैं इस आरक्षण की जो पूरी प्रक्रिया हुई है छत्तीसगढ़ में, विधेयक पारित हुआ है, अब 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजा जाएगा मंडे के बाद जब अनुसुईया उइके जी माननीय राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर कर देंगी, सियासत है समाधान है? सियासत भी है कुछ, दोनों चीज इसके अंदर मौजूद है। सियासत इस बार सियासत हुई और बाबूलाल जी पास हो जाएगा, नेटवर्क में नहीं है, आप नेटवर्क में नहीं है सर, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, प्लीज। हाँ जी बोलिए, मुझे आप इसमें जोड़ लीजिए जी, बोलिए वीडियो में जोड़ लीजिए। हाँ जी ठीक है सर, सर कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। तो विधानसभा में पारित हो जाने से ये बात हो गई है कि
उन्होंने जो अड़चन हाईकोर्ट की तरफ से आई थी उसको दूर करने का प्रयास कांग्रेस सरकार ने किया, ये प्रचार करने का बन जाएगा इनके लिए आधार कि हमने प्रयास किया और आप लोगों का फिर से हमने वो कर्क कर दिया जो कम हो गया था। अब आगे की स्थिति जो है, राज्यपाल हस्ताक्षर कर देंगे तो बिल्कुल सही बात है, ऐसे उम्मीद तो ये थी कि रातों रात हस्ताक्षर कर देंगे, लेकिन उन्होंने सोमवार तक के लिए टाल दिया। अब उसमें कौन सी बात है वो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे ख्याल से सोमवार को दस्तखत हो जाएंगे आदिवासियों का मामला होने की वजह से। अब सवाल आता है कि जो इन्होंने संकल्प पारित किया है, संकल्प पारित करके नौवीं अनुसूची में जो ले जाने का प्रयास किया, जो सही दिशा है और उसी दिशा में अगर जाके वहां सफलता अगर मिलती है तो निश्चित रूप से जो है किसी भी कोर्ट में कोई भी चीज की सुनवाई नहीं होगी, उसमें सुना नहीं जा सकेगा। वही सही है, और तमिलनाडु में भी वैसे ही चल रहा है 63%, और अभी झारखंड भी इसी रास्ते में जा रहा है, और भी कुछ राज्य जो है इसी रास्ते में जाकर के आरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो है एक प्रयास इस सरकार ने किया, और भारतीय जनता पार्टी ने तकनीकी बातों को कल विधानसभा में बहुत अच्छे ढंग से रखा, और उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई आप तकनीकी रूप से जो है गलत जा रहे हैं, अनुरूप संविधान के अनुरूप नहीं जा रहा है। अगर आप जब मतलब तक मामला फंसेगा ना बाबूलाल जी, आगे मामला फंसेगा ना, मतलब मान लीजिए कल कोई कोर्ट में जाएगा तो मामला फंस भी सकता है, ये संभावना इसके अंदर मौजूद है। उसी बात से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रखा, तकनीकी पक्ष रखा, ताकि कल को अगर कोई अड़चन आए तो भारतीय जनता पार्टी कह सके कि हमने तो इस बात पर इशारा किया था, और अब इसमें सियासत फिर होगी। सर देखिए, कोई कुछ भी कहे लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी कांग्रेस को तो सियासत करनी है। दरअसल जो वाजिब लोग हैं उनको हक मिले, इस पर संशय अब भी बरकरार है, जैसे बीते 70 सालों से बरकरार है। 10 साल के बाद खत्म होना था, ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है। जैसे 58% चल रहा था वैसे 76% भी चलेगा। लेकिन इस बीच अब जो चूंकि संविधान अधिकार देता है सभी को, कानून अधिकार देता है, कोई जाएगा तो उसके बाद फिर एक बार मामला अटकेगा। लेकिन कुल मिलाकर हम आरक्षण आरक्षण खेलते रहेंगे आगे भी, लेकिन जो इसके हकदार हैं उनको कब मिलेगा ये कह पाना फिलहाल तो असंभव सा दिखता है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए और डिबेट 88 में वक्त देने के लिए। और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।